राइट वे इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी वोकैब की क्लास थर्ड है, ठीक है। इसमें हम कुछ और वर्ड्स करेंगे, जो हमने रूट वर्ड्स करे थे उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, उनके बेस पे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, आपने शायद कई वर्ड्स पढ़े भी ना हो, तो इसलिए इन्हें याद करने के मैंने कई सारे ईजी ट्रिक्स बना रखे हैं। तो जैसे हमें रूट वर्ड्स, आपको पता है, जिन्होंने हमारी पिछली दो क्लास देख रखी उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है, ईजी वे में कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर कुछ रूट वर्ड्स लिखे हैं, फिल, फिल का मतलब होता है लव, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, मोनो का मतलब होता है वन, गैमोस का मतलब होता है मैरिज। अगर आपको ये वर्ड्स और इनका मीनिंग पता है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके लिए बहुत ही, इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ही आसान है आपके लिए। तो आप इन्हें ध्यान से एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगला वर्ड है गायनी। गायनी का मतलब होता है वुमेन। एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड। एंड MIS का मतलब होता है मिस, मिस का मतलब होता है हेट, कैसे नफरत करना। तो इनके बेस पे जो हमने वर्ड सुना रखे हैं, हम फटाफट उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला वर्ड ले रखा है यहाँ पे, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि फिल का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपस का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन को प्रेम करता है, इसे कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला वर्ड है हमारा पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है, मैंने बता रखा आपको यहाँ पे, मल्टीपल, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। पॉलीग्लॉट होता है, जैसे कहते हैं, जैसे वी कैन से दैट मनमोहन सिंह इज अ पॉलीग्लॉट बिकॉज ही कैन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस। या यू कैन से भीमराव अम्बेडकर जी वॉज अ पॉलीग्लॉट बिकॉज ही कुड स्पीक मोर देन 15 लैंग्वेजेस, एट्सेट्रा, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, गायने का मतलब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, आपको यहाँ से पकड़ना है गायना, मतलब जहाँ पे आपको वर्ड दिख गया गायना, इसका मतलब वो बातें कर रहे हैं किसी वुमेन से रिलेटेड। और लॉजी तो आपको पता ही क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टडी। तो गायनेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज, मतलब जो औरतों की बीमारी से संबंधित जो साइंस होता है हमारा, उसे कहा जाता है गायनेकोलॉजी। ओके, जो अगला वर्ड है हमारा वो है मेसोकेमिस्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको पकड़ना क्या, एक तो मिस, मिस का मतलब होता है किससे नफरत करना, हेट करना, और दूसरा जो हमें रूट वूट पकड़ना है वो पकड़ना है गैम। तो गैमा का मतलब मैंने आपको बता रखा है मैरिज, मतलब मिसोगैमिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो, हेट्स मैरिजेस। ओके, जो हमारा अगला वर्ड है वो है मिसोगेनिस्ट। एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे, एक हमारा मिसोगैमिस्ट और मिसोजेनिस्ट है। तो मिस का मतलब हेट होता है, और गैने का मतलब वुमेन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिसोगैनिस्ट। ओके, कुछ और रूट वर्ड्स मैंने ले रखे हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने लिया पैरी। पैरी का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ। एंडो, एंडो का मतलब होता है इनर, यानी अंदर की बात कर रहा है। एक्सो होता है आउटर, और पेड होता है चाइल्ड। तो इनके बेस पे जो रूट वर्ड्स बनते हैं, फटाफट उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है हमारा पेरियोडोंटिस्ट्स। तो पेरियोडोंटिस्ट का मतलब होता है गम्स स्पेशलिस्ट, मतलब जो गम्स का स्पेशलिस्ट होता है उसे कहा जाता है पेरियोडोंटिस्ट। ये जितने भी वर्ड्स आपने सुने नहीं होंगे, शायद कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। क्योंकि कई बार जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या फिर जितने भी हमारे टफ लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है एक्सोडोंटिस्ट। तो एक्सोडोंटिस्ट का मतलब होता है, एक्सो का मतलब मैंने बता रखा है आपका आउटर होता है, ठीक है, और डेंटिस्ट होता है जो टूथ से रिलेटेड होता है। तो टूथ एक्सट्रैक्शन, मतलब जब दांतों को निकाला जाता है, इसे, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोडोंटिक्स। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे बायोलॉजी डीलिंग विद लाइफ फॉर्म डिफरेंट प्लैनेट्स, मतलब कि ये हमें पता करना कि एक्सोबायोलॉजी का मतलब आप ये कह सकते हो कि दूसरे प्लैनेट पे क्या पॉसिबल है, वहाँ की लाइफ सिस्टम क्या है, क्या वहाँ पे जीव कैसे रहती हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना, मतलब जो दूसरे प्लैनेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रह रही है उनके बारे में स्टडी करना, इसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। ओके, जो हमारा लास्ट वर्ड है इस स्लाइड का वो है पेडियाट्रिशियन। तो पेडिया का मतलब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया आपको पेज, आपको इससे पकड़ना है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, और ट्रिशियन मतलब आपको पता ही है जो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। पेडियाट्रिशियन होता है जो किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करता है, मतलब कि वन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ओके, जो हमारा अगला स्लाइड है उसमें कुछ रूट वर्ड्स लिखे मैंने, फटाफट उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है।
तो जैसे पहला रूट वर्ड मैंने लिया ठेस में क्या हो कि पार, पार का मतलब होता है इक्वल, ओके, एमबी का मतलब होता है बोथ, वॉक्स का मतलब होता है वॉइस, एंटेंडोर का मतलब होता है मीनिंग, किसी का अर्थ निकालना, एंड री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, सोलस का मतलब होता है एलोन, अकेला, कॉल या कोर का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ में, ठीक है। और जो हमारा ये वर्ड है लोक्योर का मतलब होता है स्पीक, ठीक है। अगला वर्ड है टेसियो, टेसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब चुपचाप रहना। और जो अगला वर्ड है हमारा वो है बाई, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो इनके बेस पे जितने भी वर्ड्स बनते हैं मैंने नीचे ले रखे हैं, आपको फटाफट हम उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड ले लिया मैंने पैरिटी, अब पैरिटी आपको पकड़ना है, यहाँ से पैर का मतलब क्या होता है, पार का मतलब होता है इक्वल, जैसे कहते हैं ना ही इज एट पार, तो मतलब कि कोई भी जो किसके इक्वल होता है इसे पार कहते हैं, तो पार से ये वर्ड बना हमारा पैरिटी, मतलब इक्वेलिटी, ओके। जो अगला वर्ड है डिस, आपको ये तो पता ही होगा कि डिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ नेगेटिव में, ये भी एक रूट वर्ड है जो नेगेटिव शो करता है, तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है जो इक्वल नहीं है, मतलब कि इनइक्वालिटी, ओके। जो अगला वर्ड है हमारा वो है पीयर, तो जो पीयर वर्ड भी बना है वो अभी हमारा इसी से बना है, पार से, तो इसका मतलब होता है वंस इक्वल, मतलब चाहे ऑफिस में आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो, सपोज करो आप मैनेजर हो तो साथ वाला बंदा भी अगर मैनेजर है तो यू कैन से ही इज़ माई पीयर, या सपोज करो यू आर इनकम टैक्स ऑफिसर एंड योर फ्रेंड इज ऑल्सो एन इनकम टैक्स ऑफिसर, तो यू कैन से दैट ही इज़ ऑल्सो माई पीयर, मतलब सेम पोस्ट पे सेम पोजीशन पे जब कोई बंदा काम करता है तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि वो मेरा पीयर है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक कैट, जेट, स्नैप, सीजीएल हो गया आपका, एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एटसेट्रा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि एम्बी का मतलब होता है बोथ, और ग्यूस मतलब कि ऐसी चीज़ जो अनक्लियर है, मतलब दो चीज़ों में फंसा हुआ है, उसे क्लियर नहीं कि मैं क्या करूं, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एम्बिगुअस, ओके। अगला वर्ड है हमारा टैसिटर्न, टैसी का मतलब मैंने आपको बता रखा है टैसियो से ये रूट वर्ड बना है हमारा, तो टैसी का मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब कि वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है ऐसे व्यक्तियों का जाता है टैसिटर्न, लाइक आप कह सकते हो राहुल द्रविड़, द प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज अ टैसिटर्न, नाउ ही डजंट प्ले, तो दैट्स व्हाई, ओके। तो टैसिटन का मतलब होता है जो काफ़ी कम बोलता है ऐसे व्यक्ति को टैसिटन कहा जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे इससे पहले मनमोहन सिंह जी, काफ़ी कम बोलते थे, ठीक है, तो ही वॉज अ टैसिटन। अगला वर्ड है हमारा लोकेसेसी, तो लोक का मतलब मैंने आपको बता रखा स्पीक, तो लोकेसेसी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकटिवनेस, लाइक यू कैन सी टॉकटिव, लोकेसेसी से एक वर्ड आप बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति कोई भी बात करता है एक ही चीज़ को लेके उसी चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं उसी इशू को, तो ऐसे बंदे को कहा जाता है लोकेसस, तो लोकेसिटी होता है बहुत ज़्यादा बोलने का, मतलब कि आदत जिसकी होती है उसे कहता है। सोलिलोक्यू, सोली का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है एलोन, और लोक्यू का मतलब पता ही आपको क्या होता है बोलना, मतलब कि खुद से बातें करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सोलिलोक्यू, ओके। जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या रखा है कलीग, तो मैंने कल का मतलब आपको बता रखा है क्या होता है टुगेदर, तो कलीग वर्ड बन गया पार्टनर, जो किसी भी चीज़ में पार्टनर होता है, जैसे सपोज करो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो जो आपके जितने भी क्लासमेट होते हैं आप, यू कैन से दैट दे ऑल आर माई कलीग्स, ठीक है। अगला वर्ड है इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन का मतलब होता है डिसेप्टिव स्टेटमेंट, जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे लीडर्स होते हैं दे यूज़ इक्विवोकेशन, मतलब कि कहते कुछ हो रहे और करते कुछ हो रहे, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को कहा जाता है इक्वी वोकेशन स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेटमेंट वो देते हैं वो क्लियर नहीं होती, कहना कुछ और एंड करना कुछ और होता है। जो अगला वर्ड है हमारा वो है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है बाई का मतलब टू होता है, और गुल बाइलिंगुअल मतलब होता है कि जो दो लैंग्वेज बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बाइलिंगुअल। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे कई सारी वीडियोस हम और लेके आएंगे, तो आप हमारे राइट वे इंस्टीट्यूट चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको जीके, इंग्लिश एंड जो भी अदर सेक्शंस हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं आपके सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।